साथियों, आज बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि साथियों, हमने जो इंटर्नशिप योजना को रद्द करवाने के लिए इतने लंबे समय से प्रयास किया था, लेकिन साथियों, आज तक किसी भी यूट्यूबर यानी जो भी बेरोजगारी भत्ते का चैनल चलाते हैं, किसी भी यूट्यूबर ने आज तक साथियों इंटर्नशिप का विरोध नहीं किया। अब आप ही बताओ साथियों, मैं इकल्ला भाई क्या कर सकता हूँ? यदि भाई मेरे साथ और भी बाकी यूट्यूबर जुड़ जाते हैं तो साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा। मेरे दोस्तों, जब इंटर्नशिप योजना लागू हुई थी 1 जनवरी 2022 को, मैंने मेरे साथियों आपसे एक वादा किया था कि साथियों, इंटर्नशिप योजना के नियमों में परिवर्तन ज़रूर होगा, ठीक है ना। और साथियों, लगभग 2 या 2.5 महीने बाद इंटर्नशिप योजना के नियमों में परिवर्तन हुआ। हमने इसकी आवाज़ उठाई कि भाई, जिनको आप इंटर्नशिप डिपार्टमेंट दूर दूर दे रहे हो, तो कुछ कैंडिडेटों को छूट दीजिए कि जो युवा साथी बाहर दूसरे ज़िले में पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे जो जयपुर का कैंडिडेट है, मान लो जोधपुर कोचिंग करने के लिए जाता है, तो उनको वो सुविधाएं दीजिए आप कि वो जोधपुर में इंटर्नशिप कर सके। हमारी ऐसी बहनें थीं कि भाई, उनकी शादी हो जाती है, किसी को डिलीवरी हो जाती है, तो उनको छूट दीजिए, ठीक है ना। इन नियमों में साथियों परिवर्तन किया गया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, मैं बाकी यूट्यूबरों से निवेदन करना चाहूँगा, जो बेरोजगारी भत्ते का चैनल चलाते हैं और जो लंबी लंबी फेंकते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप सामने आइए। देखो, जब तक आप सामने नहीं आओगे मेरे दोस्तों, बिल पास पेमेंट की जानकारी आप दीजिए ना दीजिए, ठीक है ना, लेकिन ज़रूरी यह है कि इंटर्नशिप योजना के ऊपर भी आपको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं आओगे मेरे दोस्तों, मैं एक ही बात कहता हूँ कि दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है ना। आप आगे आइए, अपने चैनल के माध्यम से आप आवाज़ उठाइए। मुझे ये नहीं पता कि भाई आप किस बात से आज डर रहे हो। भाई, आपके पास हज़ारों साथी जुड़े हैं, और कई यूट्यूबर तो ऐसे फेंकते हैं कि हमारे साथ 39,000-38,000 युवा साथी जुड़े हैं। भाई, आप भाग्यशाली, यदि आप इतने युवा साथी आपके साथ जुड़े हैं, तो आप भी आवाज़ उठाइए ना। अरे भाई, जब वो 39,000 साथियों के पास जब आवाज़ पहुंचेगी, तो दोस्तों निश्चित रूप से एक नई क्रांति आएगी, ठीक है ना। और इंटर्नशिप योजना है दोस्तों, बहुत ही बड़ा मौका है, ठीक है ना। मैं ये मानता हूँ कि जब लोहा गर्म होता है, तो उस पर साथियों चोट मारने का मौका होता है। लोहे के रूप को किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो मेरा निवेदन है कि आप आगे आएँ, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, उन यूट्यूबर भाइयों तक ये आवाज़ पहुँचे, ताकि वो भी सामने आए। इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य था कि बाकी यूट्यूबर भी थोड़े एक्टिव हो जाइए, ठीक है ना। आप चुपचाप ना बैठे भाई, आप इस कैटेगरी से जुड़े हुए हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस आवाज़ को उठाइए। इस समय राजस्थान में बहुत ही बड़े दिन प्रतिदिन आंदोलन हो रहे हैं, तो उनमें आवाज़ उठेगी इंटर्नशिप योजना की, निश्चित रूप से उठेगी जब सभी साथी एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप टेंशन ना ले साथियों, आने वाले समय में मैं कुछ एक बहुत ही बड़ी रणनीति करने जा रहा हूँ, और सभी साथियों के पास हम शेयर करेंगे, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्या करेंगे, उपेन यादव साहब से मिलने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। वो समय हम एक बार फिक्स करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एक बार आप शेयर कर दीजिए, ताकि एक चिंगारी है वो क्या हो जाए भाई, शुरू हो जाए, ठीक है ना। बाकी जो यूट्यूबर लोग हैं वो थोड़े एक्टिव हो जाएं, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि भाई आप कभी जाके भाई उस मंत्री की आवाज़ के सामने कि हाँ भाई हमने ज्ञापन दे दिया। भाई, आवाज़ के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाने से ज्ञापन देने का मतलब नहीं होता है, जब तक आमने सामने मुलाकात नहीं हो जाती, ठीक है ना।